वीटी बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ। विंध्य और रीवा से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों के साथ पहली खबर की बात करते हैं। रीवा शहर के समीप नेशनल हाईवे 30 में बाईपास में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में दो बाइक सवारों की मौत हो गई जबकि दो युवकों की हालत नाजुक बनी हुई है। राहगीरों की सूचना के बाद पहुंची डायल 100 ने बड़े हादसे के बारे में थाना पुलिस को अवगत कराया है। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंची जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। शव को मर्चुरी में रखा दिया गया है जबकि दो गंभीर युवकों को सर्जरी विभाग के आईसीयू वार्ड में दाखिल कराकर इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की रात 10 से 11 बजे के बीच चोरहटा थाना अंतर्गत मैदानी डी पॉल स्कूल के सामने से दो बाइकों में सवार होकर चार युवक जा रहे थे। पहली बाइक में विकास सिंह पुत्र दयाराम और सत्येंद्र सिंह पुत्र चंद्रमणि दोनों निवासी अमवा सवार थे जबकि दूसरी बाइक में दीपक रावत निवासी बिल्हाई और उत्तम सिंह निवासी रामपुरवा सवार थे। सड़क हादसे की सूचना के बाद देर रात चोरहटा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थे जहां से चार युवकों को एम्बुलेंस की मदद से एसजीएमएच ले जाया गया था लेकिन विकास सिंह और सत्येंद्र सिंह को चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं दीपक रावत और उत्तम सिंह को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। हालांकि स्थिति अभी खतरे में है। कोरोना के पुनः बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रीवा एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी अभी के नेतृत्व में ऑनलाइन या ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और मांग रखी। प्रदेश के कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव बढ़ रहा है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि जान है तो जहान है, जिसको लेकर हम सब की यह मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो परीक्षाएं आयोजित कराने की तिथि घोषित की है छात्र उसके विरोध में, क्योंकि प्रदेश के अन्य बड़े विश्वविद्यालय जैसे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा करवा रही है और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भी परीक्षा स्थगित कर चुकी है, जिसको लेकर हम सब यही चाहते हैं कि ऑनलाइन या ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा आयोजित कराई जाए। लगातार एक नए वेरिएंट कोरोना के नए वेरिएंट का प्रभाव बढ़ रहा है, तेजी से इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कहा जान है तो जहान है। प्रदेश की विश्वविद्यालय आरजीवी टेक्निकल सबसे बड़ी विश्वविद्यालय उसने परीक्षा कैंसिल कर ऑनलाइन पेपर कराने की बात कही है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने भी पेपर स्थगित कर दिए हैं। अभेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की जो यूनिवर्सिटी है वो टाइम टेबल घोषित करी 4 तारीख से परीक्षाएं आयोजित करानी है। छात्र उसके विरोध में है, छात्रों से हमने बात करी, छात्र लगातार इसकी आपत्ति जताई। आज सैकड़ों साथियों के साथ हम लोगों ने कुलपति ऑफिस को घिराव कर नारेबाजी कर मांग रखी है कि पेपर पहले तो स्थगित कर दिए जाए, फिर उसके बाद ओपन बुक या ऑनलाइन प्रणाली से पेपर कराए जाए। जैसा कि अभी सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री ने अभी कहा है कि पेपर ऑफलाइन ही होगी। दूसरी बात, चुनाव टाल दिए। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कोरोना का नया वेरियंट तेजी से फैल रहा है, जान है तो जहान है, तो क्या हम बच्चों की जान फ्री में मिलती है? तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन पेपर हो या कि ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा कराएंगे। क्या आश्वासन मिला आज? कुछ मिला आश्वासन मिला कि हम अपनी टीम के साथ बैठक करके इस पर चर्चा करेंगे, आपकी जो मांगे उस पर विचार विमर्श करके आपको एक पत्र देंगे। हमने समय दिया कि 5 दिवस के अंदर इसको हमारी मांगे मानी जाए, विश्वविद्यालय को बंद करके आगे का आंदोलन जारी रखें। बघेली कलाकार अविनाश तिवारी इन दिनों सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों बघेली कलाकार पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे, थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी लेकिन अविनाश तिवारी के लिए राहत भरी बात यह है कि अविनाश तिवारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बघेली कलाकार अविनाश तिवारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया है। दरअसल एक महिला कलाकार ने अविनाश तिवारी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और अविनाश तिवारी पर धमकी देने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। सर, आपके ऊपर एक युवती ने आरोप लगाया था जिसके बाद आपको थाने जाना पड़ा, जमानत करवानी पड़ी, क्या मामला क्या था, क्या गलतियाँ की थी आप? हमको झूठा फंसाया गया था, है ना, और एक ये लंबी साजिश थी। बात उतनी नहीं थी जितना इसको च्युइंगम की तरह खींचा गया है ना, और लड़की ने सारे आरोप गलत लगाए थे, हम न्यायालय के शरण में आए और क्योंकि मुझे भारत की न्यायालय में पूरा यकीन है
और इसलिए हम यहाँ आए, मुझे बेल मिली। और हाँ, ये आपने अच्छा पूछा कि लड़की हमारे साथ काम कर चुकी है। उस लड़की ने बयान दिया था कि हम उनको जानते नहीं, कौन अविनाश तिवारी कैसे करके, वो हमारे 3 वीडियो में काम की थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लड़की हैं तो हम कुछ भी बोल देंगे तो सही होता है, ऐसा नहीं है। एक लंबी साजिश थी जिसके हम मस्त शिकार हुए, और हमको हमारे जनता दर्शक रूपी भगवान पे यकीन था और हमको न्यायालय पे यकीन था, इसलिए हम यहाँ आए और हम अपनी बात अपने जनता के सामने रख रहे हैं, क्योंकि इनको यकीन है, मैं इनके लिए काम करता हूँ। जिस बात को लेकर आपके और उसके बीच विवाद हुआ था, उस लड़की ने फेसबुक में आके आपके मतलब आपकी तरफ से एक बयान भी जारी किया था कि आपका कोई कसूर नहीं है, उधर लड़की का ही कसूर है, तो ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं आपके ग्रुप में, कुछ आप इसका? देखिए, है क्या कि एक लंबी कहानी है, एक लंबी कहानी है, और देखिए जितनी रिकॉर्डिंग आई थी वो सत्य नहीं। आज सीधी जिले के संजय गांधी शासकीय स्वशासी कॉलेज के विभिन्न छात्राओं द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज परिसर के भीतर ही आंदोलन किया गया और अपनी सभी मांगे महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखी गई। छात्रों के द्वारा प्राचार्य को दिए गए ज्ञापन में इन सारी मूलभूत सुविधाओं का जिक्र किया गया, महाविद्यालय में जिनका अभाव है, और जिसमें से महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी, साफ सफाई का अभाव, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनावश्यक पुस्तकों की कमी, कॉलेज परिसर में किया जा रहा अतिक्रमण आदि प्रमुख बिंदु रहे। आपको बता दें कि लंबे समय से संजय गांधी शासकीय स्वशासी कॉलेज में छात्रों की यह शिकायत रही कि कॉलेज परिसर के भीतर बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जहां एक ओर महाविद्यालय परिसर में कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, वहीं शिक्षकों की कमी एक गंभीर विषय है, जिसको लेकर अब छात्र आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। यह सारा प्रदर्शन छात्र नेता अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में हुआ है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन इस बाबत महाविद्यालय के बेहतरीकरण के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। सीधी से विलास मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत गोपालपुर से एक संवेदनशील मामला देखने को मिला है, जहां एक महिला अपने बच्चे को लेकर नहर किनारे गोबर के उपले बनाने गई हुई थी, लेकिन गलती से महिला का पैर फिसल गया। महिला बच्चे को लेकर नहर में ही गिर गई। महिला और बच्चे दोनों नहर में बहते हुए 3 किलोमीटर दूर पहुंच गए। इसी दौरान सोनू लोनिया और उसकी पत्नी पूजा लोनिया उसके लिए फरिश्ता बनकर आए और अपनी जान को जोखिम में डालकर माँ और बच्चे की जान बचाई, जिसके बाद महिला ने अपने आप को राजेश की पत्नी बताया। बता दें कि जिस प्रकार से महिला बच्चे समेत नहर में गिरी थी और काफ़ी दूर तक बह गई थी, तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन समय रहते सोनू लोनिया और उसकी पत्नी पूजा लोनिया द्वारा बहादुरी का परिचय देते हुए महिला और उसके बच्चे की जान बचा ली गई। उसके बाद यह घटना क्षेत्र में काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही और महिला की जान बचाने को लेकर दोनों पति पत्नियों की जमकर तारीफ हुई। बता दें कि इस बार इस प्रकार के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नहर किनारे थोड़ी सी लापरवाही के कारण व्यक्तियों की जान चली जाती है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि किसी भी स्थान पर सावधानी और सतर्कता बरती जाए। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना की संभावित तीसरी लहर व ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को दृष्टिगत रखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए जिले के प्रभारी मंत्री संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व मास्क लगाने की अपील की, और लेकिन कुछ देर बाद वे खुद बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए नजर आए। क्राइसिस मीटिंग के दौरान वे जिले के धनपुरी में आयोजित क्रिकेट मैच के फाइनल में शामिल होने गए। इस दौरान लगातार लोगों से के बीच में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते नजर आए। इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए आनन-फानन में मास्क मुंह में लगाने की बजाय आंख में लगाते रहे। इसका मतलब जो कानून बनाते हैं वही कानून तोड़ते हैं। एक दिवसीय शहडोल दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री राम खेलावन पटेल अपने पहले तो कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में आयोजित आपदा प्रबंधन की बैठक ली और प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में COVID-19 के नियमों जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर या साबुन से बार बार हाथ धोएं और शासन के निर्देशों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। नहीं नहीं, निश्चित रूप से अभी नहीं लगाए हैं, है ना, अभी लगाए आप अभी इसका पाठ पढ़ा रहे थे, आप ही नहीं लगाए, नहीं कहीं ना कहीं से भूल हुई है, हमसे स्वीकार करते हैं, अब लगा लेते हैं और लगा के कुछ बात कह देते हैं। ये इसमें संदेश दीजिए लोगों को, क्योंकि मैं इसके पहले अभी उद्बोधन दे रहा था तो मास्क लगा दिया था,
इसलिए धोखा हो गया। पर निश्चित रूप से जो कोविड 19 के नियम थे, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है ना, साबुन पानी से बार बार हाथ धोना, साबुन पानी ना हो तो सैनिटाइजर से हाथ धोना, अगर इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से अगर कोरोना को हराने का सबसे बड़ा साधन है तो मास्क है, 2 गज दूरी मास्क जरूरी हो है, बार बार साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर से हाथ धोना, अगर इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे हम पहले प्रथम चरण दूसरे चरण में जीत हासिल किए तीसरे चरण को जीतेंगे। तो ये थी आज की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रोजाना देखते रहे विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।